फौजिया वहाब ने कहा है कि मैं अपनी जगह आने वाले सेक्रेटरी इतलात के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करके जा रही हूँ। हाँ, थोम छिल के रख के गई है, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट दी है, अदरक बहुत अच्छा लंबा कतरन बना के, हाँ, धनिया भी मैंने सुना पत्ते उतार के पानी में भगो गई है, आटा गुन के अच्छा फर्स्ट क्लास, ऊपर गिल्ला कपड़ा भी रख गई है, ऊपर खरे पड़ना जमे, ऐसे बोलते जा रहे हो। पुदीने की चटनी भी कोट के प्याली में लादा रख दिया, दही साथ में रख दिया, जितना मलाड़ा होगा पुदीना मला लेंगे। ऐसे ही बोलते जा रहे हो, उनका मतलब ये है कि वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बना गए हैं कि पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना आसान होगा आने वाले के लिए। क्या डिफेंड करना आसान होगा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मेज थले हेलमेट लगा के गई है। या जारा अकबर इन्होंने आजाद की थी। जारा अकबर क्या? वो जो लोहे का लिबास पहनते हैं तलवारों वाली फाइट। जारा बख्तर। अच्छा अच्छा जारा बख्तर। ये क्या डिफेंड करने है जी इन्होंने? पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना आसान काम है। कायरा साहब भी कमल मूली आदमी नहीं है। वो इनसे ज्यादा अच्छा डिफेंड कर लेते हैं पीपल्स पार्टी को। वो तो बेचारे वियारत से इसलिए चेंज हुए हैं कि उनका पिंड में कोई वाकफ नहीं था। तगड़ा बंदा होता है ना, बंदा तगड़ा बंदा ले जाता है स्कूल दाखिल होने के लिए। अच्छा जी, रेमंड डेविस के CIA से ताल्लुकात का सबूत मिल गया। अल्लाह माफ करे, बहुत चलाकू आदमी है। ओए होए होए, वो ये बात तो इसने मुझे पहले ही कह दी थी कि ये जसूस जसूस नहीं है, ये दहशत गर्द है। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा वो क्यों? कहता है गौर से देखो उसका मुंह ही नवे नकोर बम जैसा। अजीज साहब कोई पुराना बम भी होता है? हाँ होते हैं, पुराने बम बना के अलमारी में रख छोड़ते हैं तो वो महीने डेढ़ बाद पोसा हो जाता है। क्या उसे फिर पोए पटाखा कहना शुरू कर देते हैं। वो जब फूंक मार के नहीं मारते नीचे पोए पे, और उसकी आवाज भी अजीब सी हो गई होती है, जैसे बगैर दांतों वाला दादा बड़कड़ी मारता है। पास से पोता कह देता है दादा अबू लड़ाई हो रही है और आप हंस रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये रेमंड डेविस दो नंबर आदमी है। इस तरह के बंदे सर्कस वालों ने सिक्योरिटी के तौर पे रखे होते हैं कि कोई तमाशा ही खुसरे को ना छेड़े। या माझ को दवाई या घ्यो पिलाना हो तो इस तरह के बंदे को आवाज मार दिया, बरकत या माई का मुंह खोली यार। इस तरह के बंदे मोबाइल चोरी का फैसला करने बैठ जाए ना पंचायत में तो मोबाइल इन्हीं की जेब में से निकल आता है। मैंने सुना कि ये न्यूयॉर्क के सदर थाने के बारिश कंजवी की रेड़ी लगाता है। और न्यूयॉर्क का सदर थाना कहाँ आ गया यार? हर शहर में होता है सदर थाना, उधर उसको प्रेसिडेंट थाना कहते हो। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ कहते हैं अगले इंतखाबात में कामयाब होकर हुकूमत बनाऊंगा। अच्छा, अगले इलेक्शन में? जी हाय हाय, नहीं सही कह रहे हैं वैसे, अगर ये खड़े हो जाए ना डेरा बुगटी से या इस्लामाबाद लाल मस्जिद वाले हलके से, ओए हाय 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 हाय, मुशर्रफ साहब को वो वोट पड़ने हैं, वो वोट पड़ने हैं, वो वोट पड़ने हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ये चार पांच दिन पहले भी इनकी तरफ किसी ने वोट फेंका है। लोग बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं इनसे। तौबा। डॉक्टर कादिर मगजी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हारी और मजदूरों के बेटे गवर्नर और वजीर आला होंगे। अच्छा जी, ये भी अच्छा लॉलीपॉप हमने गरीब आवाम को दिया हुआ है। जिन लोगों ने ये काम करके दिखाने होते हैं वो कर देते हैं। अमेरिका ने दावा किया था ना कि अनकरीब हमारा सदर एक काला होगा, तो करके दिखा दिया ना उन्होंने। हम तो गरीब आवाम को बेचारों को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए, बुनियादी जरूरियात नहीं उनकी पूरी कर पा रहे, सदर गवर्नर वजीर आजम तो दूर की बातें। यार तुम इस बात को छोड़ो जरा, ये तो सोचो अब तुम देखो ना, ये जागीरदार और बड़े बड़े खानदानों के लोग जो हुक्मरान बनते हैं, खरबों रुपया तो इनके नखरों पर ही लग जाता है। सही, अगर आ जाए मजदूर का रहारी का बच्चा वजीर आला या गवर्नर, बिल्कुल सादा, ना कोई खर्चा ना कोई पानी, हाय कैसी प्यारी बातें होंगी, सीधी सीधी सी। भाई वजीर आला क्यों नहीं आया इजलास में? वो जनाब कल अपने वेड़े में मिट्टी का लेप करते रहे। आहा, जी कल गोल में ही कॉन्फ्रेंस होगी बजरी के ढेर पे। इनकी जब कॉन्फ्रेंस होती है लाखों रुपया लग जाता है यार, उस पे पीछे सेक्रेटरी खड़े होते हैं, आगे मिनरल वाटर की बोतलें। सादा दौर आ जाए, ईमान से मजा आ जाए। आया है गवर्नर खोती रेड़ी पे जा रहा है, पीछे से साइकिल वाला आवाज मार के पा गवर्नर तेरा छांटा डिग पे। वजीर आला के साथ काम पड़ जाए पता करते फिर जी। वजीर आला कहां जी? वो डिफेंस में आजकल एक कोठी में काम कर रहा है।
उधर लोग पहुंचे, भाई जी एक बात करनी थी, वजीर आला कह रहा हूं इतने खड़ो यरा मैं ईटों का फेरा फेंकू फिर स्पीकर ने असेंबली की पौड़ियों में माल्टे लगाए हो रड बलाडा जो रड बलाडा जो रड बलाडा जो रड बलाडा जो रड बलाड पीछे से बंदा आके गया उस्ताद जी कोरम पूरा हो गया आ जाओ उठ के दौड़ लगा दे सिपाही से कहे तुम मुझे छोड़ो मेरे माल्टों का ध्यान रखो। यार ये कोई ऐसी भी ख्वाब और ख्यालों वाली बात नहीं है, हमारे हमसाया मुल्क ईरान में कमोबेश ऐसे ही सदर है वहां पे अहमदी ने याद हमारे अब हुक्मरानी तगड़े तगड़े हैं, वो क्या करे हर आधे घंटे बाद भूख लग जाती है उनको। अच्छा जी अगली खबर है, अमरीकी तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज ओके है। ये अमेरिका ने तहकीक की है जी। अरे अमेरिका को दोबारा ही ये खाता है ना कि मैं पूरी दुनिया पे जो भी कहूँ आगे से ओके की आवाज है। ये तुम देख लो दो बंदों का कातल सफारतकार है ओके। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मुसलमान कर रहे हैं ओके। पूरी दुनिया में वाकई ओके बहुत कहा जाता है। ये देख लो तुम आगे इधर बैठते ये तो कह देता है ये मैंने जो भी कहना है तुमने आगे से ओके ही कहना है। मुझे अमेरिका बना दिया। खामतों को देख लो बीवी जो भी कहे ओके। कई बीच में ओके सोखे होके भी ओके कहते हैं मगर कई तो आबादत समझ के ओके कहते हैं। ये अपने हुक्मरानों को देख लो 25% ओके। मजदूरों को देख लो हड़ताल ना कर ले ओके। स्टूडेंट्स को देख लो छुट्टी ना कर ले ओके। पुलिस देख लो यार अपनी जो मर्जी दे दो ओके। अच्छा जी अगली खबर है, थाईलैंड में एयर होस्टेस के लिए खाजा सराओं की खिदमात हासिल कर ली गई। मैं सदके जाऊं अपनी एयरलाइन के कैप्टन अलमास बॉबी और उसके हमले की तरफ से सारे मुसाफरों को हर तरह से खुश आमदीद। खवातीनो हजरात अभी हम 13,000 फुट की बुलंदी से व्याल करके ऊपर से होते हुए जिस घर में काका हुआ वहां लैंड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुंगरू बांध लो ते कुर्सियां फाड़ लो वरना परवाज उची नीवी होने की सूरत में उतला सा उत्ते ते थले आला थले रह जाता है। ऑक्सीजन कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क एकदम मुंह के आगे गिरता है। मेरे गड्ढे मेरी तो चीख निकल जाती है। और एमरजेंसी की सूरत में बचाव के रास्ते ये हैं। बस करो नाज़रिया हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको पायलट का डांस देखेंगे।